एमसीडी का बुलडोजर सोमवार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों और विधायक ने कार्रवाई का विरोध करते हुए उसे रोक दिया। वहीं एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान अब भी जारी है और 13 मई तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करने की कवायद चलती रहेगी। इसी क्रम में आज उत्तरी दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में कार्रवाई होनी है। इस इलाके में 2 मंदिर हैं तो 1 मस्जिद भी है, जिनके आसपास कई सारी छोटी दुकानें कल रात तक दिख रही थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन दुकानों को लोगों ने खुद बीती रात हटा दिया। लोकल पुलिस ने इलाकों में किए बैरिकेड्स। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर में दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। स्थानीय पुलिस ने बैरिकेड्स की मदद से कुछ रास्तों पर ट्रैफिक को रोकने के लिए आवाजाही बंद कर दी है। वहीं गलियों पर सीआरपीएफ की टीम को लगा दिया गया है। एमसीडी द्वारा इलाके में एक्शन होने से पहले पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए सुरक्षा की तैयारी दुरुस्त दिख रही है। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में ड्रोन की मदद से हवाई निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर रही एक टीम वाई ब्लॉक में मौजूद घरों की छतों को पैनी नज़र से देख रही है। ये इलाका इसलिए भी बेहद संवेदनशील हो जाता है क्योंकि इलाकों में 2 मंदिर और 1 मस्जिद मौजूद है। एमसीडी की कार्रवाई कुछ घंटों में शुरू हो सकती है। ड्रोन चला रही टीम से संवाददाता ने जब बातचीत की तो इसमें मंजीत नाम के शख्स ने बताया कि 7 बजे से इलाके में मौजूद है और लगातार दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। टीम में मौजूद दूसरे कर्मचारी बताते हैं कि हमें छत देखने को बोला है वाई जोन की, जहां कार्रवाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।